संघर्ष फिल्म को सुपर हिट बनाने में जिस एक्ट्रेस का रहा हाथ, क्यों दूसरी किश में नहीं मिला उन्हें ही चांस। भोजपुरी की सुपर डुपर हिट फिल्म संघर्ष का जब से दूसरा पार्ट यानी कि संघर्ष 2 को बनाने का ऐलान हुआ है, तब से फिल्म को लेकर आए दिन चटपटी दिलचस्प अपडेट पर अपडेट यानी खबरें जानकारियां मिल रही है। हाल ही में जानकारी मिली फिल्म की लीड हीरोइन की कि कौन कौन सी हीरोइने ग्लोबल स्टार के ऑपोजिट ली जाएंगी। वैसे तो 7 नाम लिए जा रहे थे, मगर उनमें से सिर्फ 3 नाम ही फाइनल किए गए और इन 3 में भी पहले पार्ट की हीरोइन काजल राघवानी का नाम दूर दूर तक नहीं था। ये देखना उनके फैंस लोगों के लिए हैरान कर देने वाला रहा। रत्नाकर कुमार और पराग पाटिल ने काजल को ग्लोबल स्टार संग उन्हें मतभेदों के चलते शायद चांस नहीं दिया, हर कोई इसी पर आकर रुक रहा था, मगर असल कहानी ना ही आपको पता थी ना ही हमें। ऐसे में जब इसी बारे में फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल से बात की गई, सवाल किए गए, तो उन्होंने काजल को फिल्म में ना लिए जाने की ठोस वजह क्या बताई है, उसका क्या खुलासा किया है, आइए आप भी सुनिए। देखिए, हर कलाकार की तरह उनका हाथ भी संघर्ष को हिट करवाने में रहा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा ना ही कर सकता है, लेकिन दूसरी किश्त यानी कि संघर्ष 2 में हमने उन्हें क्यों नहीं लिया। तो बता दूं कि संघर्ष 2 की कहानी एकदम अलग है। कहानी की डिमांड में ही जब वो फिट नहीं बैठ रही थी तो जबरदस्ती कास्ट करने का क्या मतलब। पराग पाटिल को भले ही लोग यारों का यार कहे, लेकिन मेरे लिए पहले कहानी होती है। ऐसे में मेरा या किसी का मतभेद इस बीच में आना बनता ही नहीं। कहने को आम्रपाली दुबे जी मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस है, चाहता तो मैं उन्हें ले सकता था, मगर कहानी के पॉइंट से वो सुटेबल नहीं है तो नहीं लिया। पराग पाटिल ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पुरानी फिल्म में ऐसे कई किरदार हैं जो इस वाले पार्ट में है भी और नहीं भी। पिछली कहानी में सुबोध सेठ खेसारी के भाई बने थे, मगर इस फिल्म में वो एक खतरनाक विलन बने हैं। पप्पू यादव है इस कहानी में। बाकी ऐसे भी कई किरदार हैं जो पहले वाली कहानी में थे और इस वाली कहानी में नहीं है। तो सुना ना आपने कि पराग पाटिल ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि काजल राघवानी को ना लेने का ना ही उनका फैसला था, ना ही हिट मशीन का फैसला था, डिमांड थी कहानी की, क्योंकि इस बार की जो कहानी थी उसमें काजल कहीं भी फिट नहीं बैठ रही थी। अब उन्होंने कह तो दिया है, जनता उनके इस जवाब से कितना संतुष्ट होती और कितना नहीं, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। साथ ही ये भी देखना रहेगा कि काजल राघवानी के बिना क्या संघर्ष 2 कामयाबी के झंडे गाड़ने में सफल हो पाती है या नहीं। वैसे आपको क्या लगता है संघर्ष 2 के बारे में, जरूर बताइएगा हमें, दीजिएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।